समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद अखिलेश यादव के चाचा शिवपाल यादव वापस सपा में लौट आए हैं। उन्होंने अपनी पार्टी पीएसपी का समाजवादी पार्टी में विलय कर दिया है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लोहिया के प्रमुख और अपने चाचा शिवपाल सिंह यादव को सपा का झंडा प्रदान किया है। शिवपाल यादव ने अपने ट्विटर प्रोफाइल पर अपना इंट्रो भी बदल दिया है और अपनी पहचान समाजवादी पार्टी नेता के तौर पर बताई है। उन्होंने मैनपुरी सीट से सपा नेता डिंपल यादव की जीत के लिए जनता का धन्यवाद भी दिया और इसे नेताजी का आशीर्वाद बताया। शिवपाल यादव ने ट्वीट कर कहा, मैनपुरी संसदीय क्षेत्र के मतदाताओं से मिले आशीर्वाद, स्नेह व अपार जन समर्थन के लिए सम्मानित जनता, शुभचिंतकों, मित्रों व कर्मठ कार्यकर्ताओं का हृदय से आभार। जसवंत नगर की सम्मानित जनता द्वारा श्रीमती डिंपल यादव जी को दिए गए आशीर्वाद के लिए जसवंत नगर वासियों का सहृदय धन्यवाद। सपा अध्यक्ष से अपने सभी गिले शिकवे भुलाकर मैनपुरी चुनाव में डिंपल के पक्ष में प्रचार करने वाले शिवपाल ने कहा, अब जो भी चुनाव होगा हमारा पूरा परिवार एक होकर लड़ेगा। हमारी बहू एक बड़ी जीत की ओर इसलिए अग्रसर है क्योंकि पूरा परिवार एक होकर लड़ा। ये अब पूरा परिवार इसी तरह नेताजी से मैदान यादव में दिखाई पर पड़ेगा। ये जीत रही नेताजी ने से और के साथ हमारी शर्मा ने जो विकास किया है उसकी जीत है। और जो भी यहाँ पर नेताजी के नाम से अब भी नेताजी का जलवा कायम है और रहेगा ऐसे। अधिकारियों ने बहुत दबाव बनाने की कोशिश की लेकिन जनता ने खुल करके वोट दिया। देखिए यहाँ पर जो भी मंत्री आते थे सरकार जितने भी मंत्री आते थे सीधा अधिकारियों से वोट मांगते थे तो उसको बंद कर दो, उस पर मुकदमा लिख दो, उसका उत्पीड़न कर दो और वोट कम डाल पाना। तब भी जब वोट नहीं डालने दिया तो जनता ने तब भी नेताजी के आदर्शों पर और विकास पर जनता ने हमारी जीत कराई।